हेलो गाइस, माय नेम इज़ राजेंद्र साहू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे मेरे मोटरसाइकिलिस्ट फ्रेंड्स ने ये एक्सपीरियंस किया होगा मोटरसाइकिल चलाते टाइम आपके थ्रोटल रेस्पॉन्स का स्लगिशनेस। दैट मीन्स कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक्सलरेट तो करते हो बट बाइक आपको उतना सडन एक्सलरेशन देता नहीं है। इसका मोस्टली रीजन आपके फ्यूलिंग के ऊपर भी रहता है। हो सकता है कि आपका फ्यूल सिस्टम क्लॉग हो गया हो तो उसके वजह से ऐसा होता हो। कार्बोरेटर या फ्यूल इंजेक्टेड बाइक, दोनों में ये प्रॉब्लम आ सकता है इक्वली। तो आपको उस केस में मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा, वो कार्बोरेटर खोल के या तो क्लीन करेगा या फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आपको खोल के फिर क्लीन करवाना पड़ेगा। बट इसके अलावा एक और भी मेथड है जिससे आप उसको क्लीन कर सकते हो, यूजिंग 40 एडिटिव शूटर। ये जो लिक्वी मॉली का 40 शूटर है, इसको भी आप इस यूज़ करके आप अपने फ्यूल सिस्टम को इजीली क्लीन कर सकते हो। तो आज के वीडियो में मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ इसी 40 शूटर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, ये 40 शूटर को यूज करना काफी आसान है। इसको यूज करने के लिए आप पहले अपने बाइक का टैंक आप एक्चुअली फुल कर दिया कीजिए। दैट मींस ये रेकमेंड करते हैं कि 5 to 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल के अंदर इसको आपको मिक्स करना है। तो उस हिसाब से अगर आपका फुल टैंक अगर ज्यादा भरता होगा लीटर्स में, तो उस हिसाब से आप सिर्फ 10 लीटर्स ही अपने गाड़ी में फ्यूल भरिए। और उसके बाद ये 80 ml का आता है इस बॉटल में, तो ये पूरा का पूरा आप अपने टैंक के अंदर फिल कर दीजिए। और फिल करने के बाद आप ध्यान रखिए कि आप थोड़ा इसको चलाए, ऐसा नहीं कि बस फिल करके रख दे, ताकि वो आपके पेट्रोल टैंक के अंदर आपके पेट्रोल के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो ये जो 40 शूटर है, ये मैन्युफैक्चरर ऐसा बोलता है कि ये जो आपका फ्यूल सिस्टम में कभी कभी डिपॉजिट्स जमा होने लगता है या कंटामिनेशन जमा होने लगते हैं, वो उसको अच्छी तरह से क्लीन कर देता है। आपके फ्यूल सिस्टम में, आपके वाल्व्स के ऊपर, आपके स्पार्क प्लग प्लस आपके कंबस्टन चैम्बर को भी क्लीन कर देता है। तो इसको एक्चुअली वीडियो में दिखाना तो इम्पॉसिबल है, या कुछ कुछ शायद आपको यूट्यूब पर ऐसा वीडियोस दिखेंगे जो आपको इंजन के अंदर का भी अच्छी तरीके से दिखाए ये कैसे क्लीन करता है। बट प्रैक्टिकली आप जब भी गाड़ी चलाते हो तो ये आपको एक्सपीरियंस करने ज़रूर मिलेगा। तो मेरे पास तो गोप्रो नहीं है, तो नहीं तो मैं आपको वो भी दिखा था। बट मेरे भी मानिए, आप गोप्रो से भी या अगर मैं एक्शन कैमरा भी यूज़ करता तो भी आपको वो प्रैक्टिकली दिखता नहीं वीडियो पे कि मेरे को क्या फील आ रहा है। तो एक्चुअली इसको यूज़ करने के बाद मोस्टली 30-40 किलोमीटर्स तक मुझे कुछ भी इतना डिफरेंस नहीं पता चला। बट जैसे ही 40-50 किलोमीटर्स होने लगा तो अचानक से थ्रॉटल रेस्पॉन्स काफ़ी क्रिस्प हो गया। दैट मीन्स मुझे फील होने लगा कि हाँ, मैं जैसे ही थ्रॉटल घुमा रहा हूँ बाइक रेस्पॉन्स कर रहा है। तो वो एक मेरे को एक्सपीरियंस मिलना स्टार्ट हो गया 40-50 किलोमीटर्स के बाद। क्योंकि जब भी मैं मान लीजिए पुणे जाया करता था ऑफिस, तो मैं सुबह सुबह डाल देता था बाइक पे और फिर मैं निकला करता था घर से, तो मुझे तभी एक्सपीरियंस होता था। जब मैं हाईवे टच कर देता था तभी मुझे वो फ्रीनेस अपने बाइक में फील होना स्टार्ट हो जाता था। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको मेरे एक्सपीरियंस से बताया, ये प्रोडक्ट काफ़ी यूज़फुल है और मैं आपको ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा यूज़ करने को। हालांकि इसका जो मैन्युफैक्चरर ये बोलता है कि जितने बार आप पेट्रोल टैंक अपना फुल करें तब हर टाइम आप इसको यूज़ करें, बट मैं आपको ये नहीं रिकमेंड करूँगा इसका, क्योंकि प्राइस भी एक बॉटल का ये 250 रुपीज़ है। बट जैसे ही आप चलाते चलाते आपको फील होने लगे कि बाइक थोड़ा स्लगिश हो रहा है, तो आप इसको खरीद के यूज़ कर दिया कीजिए। मैं भी मोस्टली ये 3-4 हज़ार किलोमीटर में एक बार यूज़ करके अपना फ्यूल सिस्टम क्लीन कर देता हूँ इसके हेल्प से, तो मुझे काफ़ी अच्छा राइडिंग एक्सपीरियंस मिलता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ज़रूर कुछ वीडियोस के लिंक दिया रहूँगा यूट्यूब के, जिन्होंने एक्चुअल में कार्बोरेटर वगैरह खोल के शो किया है। मेरे बाइक में तो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है, तो मैं उसको खोल के आपको शो भी नहीं कर सकता। बट कार्बोरेटर के केस में आप देख सकते हो कि किस तरह अच्छी तरह से ये जो शूटर है उसको अंदर से क्लीन कर देता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मैं आप सभी से मिलता हूँ ऐसे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड राइड सेफ़।